अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। बार बार मुझे फोन करके क्यों परेशान कर रही हो तू? क्या हो गया हैदर? मैंने तो बस रोहन, मेरे भाई का नाम अपनी जबान पे मत लेना तू, बस बहुत हो चुका। अरे छोड़ दो बेचारे को, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ी हुई उसके? हाथ जोड़ता हूँ मैं तुमसे। जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया तुमने, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी, अब कुछ बाकी रह गया? आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? मुझे रुहान की फिक्र, मैं रुहान की जिंदगी बर्बाद करना चाहूंगी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे बंद करो ये जज्बाती बातें, तंग आ गया इन बातों से मैं, और प्लीज दूर रहो मुझसे और मेरे घर वालों से। तुम घर से तो निकल गए लेकिन तुम्हारी दखल अंदाजी नहीं गई। अरे मैं तो दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द हमारा तलाक हो जाए। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हैदर पर अरे मैं तो दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द हमारा तलाक हो जाए। हैदर का लहजा इतना बदलाव क्यों था? क्या वो सच में मुझसे नफरत करने लगे हैं? क्या वो उस गजर के साथ एक नई जिंदगी बसाने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हैदर ऐसा कर ही नहीं सकते, हैदर मुझे नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। खुदा का शुक्र है कि रुहान मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर रुक गया, वरना आज हैदर के सामने गजल की सारी सच्चाई पया हो जाती। कौन है वहां? मेरे मौला, कौन है वहां? कौन है? जिन्नात? या रसूलल्लाह, करम कीजिए खुदा के वास्ते, मैं अल्लाह की बहुत नेक बंदी हूँ जी, फिर भला ये बला क्यों आई मेरे रास्ते में? हैं जी? पीछे हटो, मारना मत, दूर हो जाओ, डरो मत, मैं हूँ। ना खैर करे, मुझे तो लगा कि कोई जिन्नात है, यहाँ तो चुड़ैल निकली। क्यों डरा रही थी तू मुझे? खुदा गारत करे तुझे। अरे खुदा का इंतजार क्यों कर रही हो, खुद अपने हाथों से गारत कर दो ना मुझे। वैसे भी तुमने और तुम्हारे बेटे ने तो कसम खा के रखी है ना मेरा खेल खत्म करने की। मेरा बेटा किसी को कुछ नहीं बताएगा, कुछ किया तो नहीं ना उसने। लेकिन कर तो सकता है ना, बहुत जल्द वो हैदर को मेरी सारी हकीकत बता देगा और उसके बाद तो मुझे मर रही है, तो तुम ही मार डालो ना मुझे। मरने की कोई जरूरत नहीं है, वहां नहीं बताएगा किसी को कुछ। अच्छा जी, और ये करिश्मा कैसे होगा? मैं रोकूंगी उसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस मामले में पड़े और खुद को तकलीफ दे। आज के बाद रुहान सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानेगा, ना तो तू उसके साथ कोई खेल खेल सकती है, ना वो दुआ उसका इस्तेमाल कर सकती है, और ना ही हैदर उसे अपने झांसे में फंसा सकता है।
एक और बात, इस भूल में मत रहना कि मैं ये सब तेरी मदद करने के लिए कर रही हूं। मैं तेरा साथ सिर्फ इसलिए दे रही हूं ताकि हैदर दुआ को तलाक दे दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूहान उसकी खिदमत करने में लग जाएगा और वो फिर से मुझसे दूर हो जाएगा। समझ गई? तो कोई जानवर पाल लेना, मगर गलत फहमी मत पालना। ले कट। या मौला, कैसे भी मेरी भाभी को घर भेज दे, मेरी आस पे पानी मत फेरना मेरे खुदा। भाभी आ गई तो मेरी मोहब्बत का फूल मुरझाने से बच जाएगा। खुदा खैर करे। जहां डाकुओं का डर था वही शाम हो गई। मुबारक हो हीना बाजी, आपका हैदर तो दुआ के बगैर एक पल भी नहीं रह पाया। कमर कस लीजिए आप, आपकी दुश्मन इस घर में वापस लौट के आ रही है। फिर तो आप बस अपने पोता पोती के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाइए बाजी। पर अफसोस, उनकी मां गजल ने दुआ होगी। अम्मी, अगर दुआ वापस आ गई तो अम्मी ये घर फिर से बर्बाद हो जाएगा। हैदर को हम नहीं जाने दे सकते, उसे दुआ से मिलने नहीं दे सकते। अम्मी कुछ करिए ना अम्मी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं दुआ को दोबारा इस घर में कभी आने नहीं दूंगी। हैदर क्यों नहीं फोन उठा रहा है? क्योंकि वो जानता है बाजी कि आप उसे रोकने वाली हैं, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा है। अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है गजल। अम्मी, हैदर अभी तक क्यों नहीं आए? क्या हुआ होगा? अम्मी कब तक आएंगे हैदर? अम्मी मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कब आएंगे अम्मी हैदर? सब्र करो तुम, आ जाएगा वो। ये क्या तरीका है? कहाँ चले गए थे तुम इस तरह अचानक? जहाँ भी गया था मैं, शुक्र करो कि मैं लौट आया। और मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ कोई और भी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।